आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उसे लग देखिए आपने एक फिल्म देखी, वो मेरे आधारित है फिल्म, सेक्शन 370 आप फिल्म देखेंगे, उसमें क्या है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो उसके रहे वो सब हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ देखा और पूरी तरह से वो फिल्म हमारे जीवन पर आधारित है। उसमें क्या है, केस चल रहा है, दलीलें सही हैं, बचाव पक्ष की सबूत सही हैं, गवाही सही हैं, चार्जशीट सब कुछ सब सिद्ध कर देते हैं कि दोषी नहीं है। लेकिन फैसला होने से पहले जब हमारे न्यायाधीश बाहर देखते हैं, कोर्ट के बाहर देखते हैं, तो वहाँ मीडिया हाय हाय कर रही होती है, मीडिया मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती जला रही होती है, बस आके फैसला बदल जाता है। तो इस तरह से मीडिया द्वारा प्रायोजित पोषित पालित ये केसों में ऐसा हो जाता है, इसलिए इनमें न्याय नहीं हो पाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, जिसको आपको मानना पड़ेगा। और एक दिन याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जो इस देश नहीं, इस न्यायपालिका नहीं, इस देश के सिस्टम के सब लोग कहेंगे कि संत आशाराम बापू निर्दोष थे, ये बात सत्य है। कहीं इनको इसलिए तो बेल नहीं दे रहे कि कहीं इनको बाहर बेल दे दे, ये बाहर आए और आगे कहीं विदेश ना चले जाएं। देखिए, क्या आपने माल्या को रोक लिया, विजय माल्या को रोक लिया आपने? विजय माल्या तो मिलके गए थे, राज्यसभा मिलके गए, लोकसभा मिलके गए लोगों से, और दूसरा वो अभी चल रहा है वो आर्थिक घोटाले वाले और हैं दूसरे, उनको रोक लिया आपने? कितने लोग इस देश से जाने वाले चले जाते हैं, वो बड़े बड़े घोटालेबाज चले जाते, जिन्हें जाना है वो चला जाएगा और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। आप बेल दें, दो श्योरिटी दें, तीन श्योरिटी दें, चार श्योरिटी दें, कंडीशन दे दें, पासपोर्ट जब्त कर लें, पासपोर्ट रख लें उनका कि रिलीज नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बिना पासपोर्ट तो नहीं चले जाएंगे। अब कोई संत आशाराम जी भेष बदलने वाले बहुरुपये तो है नहीं कि जो बहुरुपया बदल बदल के चले जाएंगे, उनकी एक ऑथेंटिक है, उनको जेल में भी रह रहे हैं तब भी वो रह रहे हैं ना, परिवार है, नारायण साईं उनके पुत्र हैं, मैंने तो उन पे किताब भी लिखी है, ईश्वरी आशाराम जी पे किताब लिखी है, उसमें साफ तौर पे सब बातें लिखी हैं, स्टोरी इन डेप्थ, आशाराम बापू स्टोरी इन डेप्थ सब उसमें है, ये सब साक्ष हो रहा है। नारायण साईं के लिए मैं रोहिणी कोर्ट में पेश हुआ, नारायण साईं को बना दिया भगोड़ा था, क्या नारायण साईं का अपने एडवोकेट से मिलने आना और कोर्ट ने उसको माना कि नहीं भगोड़ा है? जब वो दिल्ली आ रहे थे तब आपने पकड़ लिया उनको, दिल्ली पुलिस की टीम ने पकड़ लिया, इनाम पाने के चक्कर में क्या भगोड़ा है? क्या नारायण साईं, आप छोड़ दीजिए नारायण साईं नाम, एक नारायण नाम का व्यक्ति अपने पिता जिनके नाम जिनका नाम आशाराम है, धार्मिकता छोड़ दीजिए, धर्म छोड़ दीजिए, धर्मगुरु छोड़ दीजिए, संत छोड़ दीजिए, क्या एक बेटा अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, केस के लिए पैरवी नहीं करेगा? क्या कोर्ट नहीं आएगा? क्या वकीलों से नहीं मिलेगा? क्या उनको छुड़ाने के लिए काम नहीं करेगा? क्या उनकी बेल कराने के लिए पैरवी नहीं करेगा? क्या उनके केस में काम नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो पुत्र हैं, पुत्र का फर्ज अदा करना चाहिए, लेकिन उसको भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है, कोई अपने कर नहीं सकता है, वकील से नहीं मिल, उसको भी भगोड़ा बना दिया, लेकिन यहाँ कोर्ट ने माना कि भगोड़ा नहीं थे और उनको वहाँ से यहाँ करके रोहिणी कोर्ट में भेज के वहाँ भेजा। तो उसमें साफ तौर बहुत सी शाम को घंटों बहस हुई इसी बात पर, मैंने ये बात कही कोर्ट में, कही बात कि कैसे भगोड़ा हो गए, क्या एडवोकेट से मिलना गलत है, क्या एडवोकेट से मिलना गलत था? बताइए आप, क्या एक पिता अपने पुत्र के लिए पैरवी नहीं करेगा, कानूनी पैरवी नहीं करेगा, जहां झूठा फंसाया गया हो, जहां सबके पास पता हो? आशाराम जी का तो इतना बड़ा सामाजिक दायरा रहा, उनका इतना बड़ा जीवन रहा है, जो कहां छिपा रहा उनका, उनके जीवन तो सार्वजनिक हो जाते हैं, ये लोग कोई अकेले नहीं रह पाते, इनके साथ तो सैकड़ों लोग हर समय रहते हैं, तो जब इनके जीवन को देखने वाले हजारों लोग हो जाते हैं और देखते हैं, फिर कहां से गलत हो गए, कैसे गलत हो गए? हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन वही चीज है, महिला महिला महिला, अगर यही पुरुष आयोग होता, यही पुरुष आयोग बना होता, पुरुष आयोग होता, आज के दिन पुरुष आयोग और पुरुष कमीशन और जैसे महिला कमीशन है, महिला आयोग है, ये सब होता है, तो ऐसे पुरुष आयोग होता, पुरुष हेल्पलाइन होती, पुरुष डेस्क होती, पुरुष कमीशन होता, पुरुष मंत्रालय होता, तो संत आशाराम बिल्कुल अंदर नहीं होते, उनकी बात उठाई जाती है, महिला आयोग उठाता है, लेकिन पुरुष आयोग है नहीं, उनकी बात उठती नहीं, क्योंकि संत आशाराम पुरुष हैं, इसलिए वो जेल में। तो आपका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो छूटते हैं तो संस्कार की एक तरह से दोबारा बढ़ोतरी होगी हमारे भारत देश में?
अगर संत आशाराम जी छूटते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता का पलायन होगा। और माफ़ कीजिए, आप सब जो चैनल वाले हो ना, मीडिया वाले हो, आप नहीं चाहते देश में पाश्चात्य सभ्यता खत्म हो, आप चाहते हैं पाश्चात्य सभ्यता बढ़ाना, आप चाहते हैं सनी लोनी को लाना, आप चाहते हैं पाश्चात्य सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति आए, आप चाहते हैं पब क्लब डांस बार डिस्को ठीक शराब गांजा अफीम चरस हीरोइन ड्रग्स ये सब चलें, ये चाहती है पाश्चात्य सभ्यता के बारे में मीडिया, यही चाहती है पाश्चात्य सभ्यता चलती रहे, भारत की सभ्यता ना चले, सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया का अनुसरण ना हो। वो चाहते हैं पाश्चात्य सभ्यता डिस्को ठीक चलती रहे, वही डांस चलते रहे, क्लब चलते रहे, नग्नता चलती रहे। वो नहीं चाहते रक्षाबंधन और भैया दूज मनाया जाए, वो नहीं चाहते देश में परिवर्तन आए, वो नहीं चाहते समाज में परिवर्तन आए, ये भावना चल रही है। और आशाराम चाहते हैं पाश्चात्य सभ्यता खत्म हो। आज तो मीडिया वाले भी कहते हैं कि हाथ ना मिलाए नमस्ते करें। अब तो मौत सामने खड़ी है ना, अब तो मौत सामने खड़ी है, इसलिए हाथ ना मिलाएं। नहीं तो आप देख लीजिए जाके जहां मीडिया हाउस है, जहां मीडिया हाउस के पास का हाल क्या है, आप देखिए मीडिया हाउस के हाल, चाहे नोएडा हो चाहे कहीं हो, मीडिया हाउस के पास का आप हाल देखिए, शराब सिगरेट क्या क्या नहीं वहां चल रहा है, क्यों? सब देखते हैं, सब जानते हैं, इसलिए वो सब बाइकाट करते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति का। कुछ चैनल का तो काम ही एक है, बस पाश्चात्य सभ्यता को प्रमोट करना, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाना पाश्चात्य सभ्यता के लिए, क्योंकि उसमें नग्नता दिखाते हैं, कैसे कैसे दृश्य दिखाते हैं, हर अखबार ने पेज बना रखे ना, इस तरह के कपड़े आधे नग्न कपड़े पहन दिला, क्या हर एक प्रचार में ये सत्य नहीं है, चाहे स्कूटर का प्रचार हो, चाहे दंत मंचन का प्रचार हो, चाहे कपड़े का प्रचार हो, चाहे तेल का प्रचार हो, चाहे साबुन का प्रचार हो, महिला को अर्ध नग्न रूप में दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है? सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया और रजिया सुल्तान बन के क्यों नहीं दिखाया जाता है? दिखाया जाना चाहिए ना, ये हमारे देश की दुखद स्थिति है। हमारा देश ऐसा नहीं था, भारत सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा है, बहुत इसका विशाल हृदय रहा है, चाहे स्वामी चंद्रा स्वामी जी रहे हैं, उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने जीवन को दिखाया, उन्होंने परिवर्तन किया, और जो ऐसा परिवर्तन करने लगता है उस पर ही शिकंजा कस दिया जाता है, शिकंजा कसवाने में मीडिया का हाथ रहता है, बस उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। आज चंद्रा स्वामी जी नहीं है, लेकिन हमें उनकी बताए हुए रास्ते उनके बताए हुए मार्ग याद आते हैं। आशाराम जी जेल में है, लेकिन देखिए समाज को उन्होंने कभी तोड़ने की बात कही, किसी उनके भक्त ने कही, कभी अविश्वास कहा, कभी कोर्ट के बारे में अविश्वास कहा, विश्वास कर रहे ना कोर्ट में, सजा दी तब भी विश्वास कर रहे हैं, फिर नहीं बेल हो रही तब भी विश्वास कर रहे हैं, है ना, कहीं कोई उनके लिए। और यही होता क्या है, अगर यही कोई आतंकवादी होते, अगर कोई आतंकवादी होते तो उनके विमान हाईजेक हो जाते हैं, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, याद है ना आपको, कंधार कांड हो गया था, विमान हाईजेक कर लिया गया था, वो आतंकवादी हैं। आप उनके जैसा व्यवहार एक संत के साथ कर रहे हैं, एक संत के साथ कर रहे हैं, संत को सताना नहीं चाहिए, संत को आप सता रहे हैं और उसका भी ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। ये जो बीमारी फैल रही है संत को सताने की वजह से फैल रही है, संत को सताएंगे तो आपको नुकसान, तो उसका फायदा होगा क्या? किसी आत्मा को दुखाने से, क्या किसी को परेशान करने से आपको फायदा होगा? कभी हमारे वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान कहीं लिखा है? ज्ञान गंगा में कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना, सीधे सीधे यही लिखा है कि संत को सताना नहीं चाहिए, किसी धर्म प्राण व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है, आधुनिकता के उसमें बढ़ रहे हैं हम, और आधुनिकता की तरफ चलते चले जा रहे हैं, और इस कारण खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, क्या संत आशाराम मांसाहारी हैं? नहीं है ना। क्या शराब पीते हैं? क्या लव डे किस डे के आज वही आपको मना करना पड़ रहा है। आज आपने दूरियां भी बनाई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी माननीय देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, अब मानना पड़ रहा है ना, लेकिन उन्हें भी पहले कह देना चाहिए था। यही बीमारी क्यों पैदा हुई, ये जीवन का ही आधार क्यों नहीं बना, क्यों नहीं दूरी बनाई गई? दूरी बनाओ, मांसाहार हटाओ। अब कहा गया चाइना में मांसाहार से पैदा हुई बीमारी, जब यहां कहते थे आशाराम जी कि मांसाहार मत खाओ तो लोग कहते थे मांसाहार के बिना काम नहीं चलेगा। आज छोड़ रहे हैं, आज खत्म हो गए, आज रेट डाउन हो गए, आज नहीं मिल रहा है, आज सब्जी पे आ गए, फिर दाल पे आ गए, फिर अपने उसी शाकाहार पे आ गए, तो फिर ये तो सत्य है, इसमें मानना पड़ेगा आपको। धन्यवाद सर आपका।